The teaching of Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Yo yo guys, ki hal chal, kya hal chal, kaise aap sab log? So, mera naam hai Arvind Arora, aur aap mujhe dekh rahe hain Vedantu Meet, Vedantu Neet, Meethi Si channel pe. How are you guys? Sunday aa gaya, thoda hangover utra nahi abhi tak. How are you guys? Kya hal chal, kaise aap sab log? So, thank you so much for coming. मजा आ गया संडे. आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, नहीं किया, मैंने तो किया एंजॉय. और मैंने क्या किया वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे arvind.arora, वहां पर जाके आप जरूर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया संडे को. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर गाइस. चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम लोग, क्योंकि संडे के बाद आता है मंडे, इट्स अ किलर मंडे, बट पढ़ना तो है ही. सो अब हम क्या करने वाले हैं, मेटलर्जी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. सबको पता है इस पे क्वेश्चन आते हैं. लेक्चर नंबर 2 है जिसमें आज हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को खत्म कर डालेंगे पूरी तरह से, ठीक है. सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस. लेकिन उससे पहले जो लोग यहां पर हैं, ठीक है, उनके लिए खुशखबरी है. यू वांट टू नो दैट, वो खुशखबरी क्या है? चलो सबसे पहले तो मैं आपका नाम ले देता हूं. ध्यान से देखते हैं कौन कौन यहां पर अभी प्रेजेंट है. निधि है, सौरभ है, प्रिंसी है, ओके, अमिनूर है. वाओ वाओ वाओ, तो मैं नाम ही नहीं ले पा रहा हूं. ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन सच अ लार्ज नंबर. चलो मैं आपके लिए सरप्राइज लेके आया हूं आज. आप देखना चाहते हो वो सरप्राइज क्या है. तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आई एम गिविंग यू अ वंडरफुल सरप्राइज. दिस इज वेदांतु बैग. यप, दिस इज वेदांतु बैग. सो ये वेदांतु का वंडरफुल बैग आप जीत सकते हैं. नाउ लुक एट इट, ये वेदांतु का वंडरफुल बैग आप जीत सकते हैं मुझसे, है ना. लेकिन कैसे, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा अभी एक ही मिनट में. उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सेशन को पूरा देखना है. और ये बैग आप कैसे जीत सकते हो वेदांतु की तरफ से, ये आपको आपके घर पे मिलेगा, ये कैसे जीत सकते हो, उसके लिए पूरा सेशन आपको देखना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीत सकते हो, ठीक है. सो बहुत ही अल्टीमेट बैग है ये, बहुत ही वंडरफुल बैग है. जैसे कि आप देख सकते हो मुझे भी प्यार आ गया है. मैं रखने वाला इस बैग को, ठीक है. बट ये बैग आप जीत सकते हो. कैसे जीत सकते हो उसके मैं तरीका बताता हूं आपको. चलो सेशन को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन. चलिए गाइस, सो एक इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर आप पढ़ने के साथ साथ बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट बैग्स आपके लिए जीत सकते हो वेदांतु की तरफ से. इससे अच्छा क्या हो सकता है, सोने पे सुहागा. कई कोचिंग सेंटर तो फीस लेते हैं, फिर आपको टी शर्ट देते हैं, शायद उसके लिए भी फीस लेते होंगे, बैग के लिए भी फीस लेते होंगे. लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज नहीं करते हैं आपसे. ये आपका प्यार है कि हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, 7 लाख की फैमिली क्रॉस करने वाले हैं और इतना अच्छा हो रहा है सिर्फ आप लोगों की मदद से. और अगर आप चाहते हैं कि ये बैग आपको मिले तो आपको एक छोटा सा काम करना है, ठीक है. वो बहुत ही सिंपल है, एक ही मिनट का काम है, वो मैं आपको बताऊंगा. लेकिन उससे पहले सेशन को पूरा देखिएगा. सेशन पूरा नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा. चलो मेटलर्जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर शुरू करते हैं. मजे की बात यह है कि जितना मैं पढ़ाने वाला हूं उसका पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप अभी डाउनलोड कर सकते हो. और वही पीडीएफ का लिंक हम लोग कहां दे देते हैं, कम्युनिटी सेक्शन, यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी दे देते हैं. सो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है. चलिएगा इस फटाफट से शुरू करते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर. लेकिन उससे पहले आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि इतना सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो क्या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे? सब्सक्राइब करो गाइस. मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोग नाराज हो गए सैटरडे को जब उनको टी शर्ट नहीं मिला तो उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया. मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक टी शर्ट के लिए रिश्ता तोड़ के चले गए तुम लोग. हाय, दिल में दर्द हो रहा है. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर से गाइस, ये रिश्ता बहुत मजबूत है. टी शर्ट बैग तो आते जाते रहेंगे, अरविंद अरोड़ा तो एक ही है ना, वो आपका ही है. सो गाइस, ऐसा नहीं करना कभी, मेरे साथ बने रहो. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मौके तो आपको बार बार मिलते रहेंगे. तो वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऐसी सीरीज और एक बहुत वंडरफुल सीरीज आपकी हम लोग थर्सडे से शुरू कर रहे हैं जिसमें आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म पढ़ पाओगे. और उसको नवोमिता और हर्ष महेश्वरी, ये दो फैकल्टी हैं केमिस्ट्री की, वो ले रहे हैं. बहुत ऑसम सीरीज है जो आप लोगों को मैकेनिज्म सिखाएंगे वो लोग ऑर्गेनिक के, ठीक है. सो मजा आ जाने वाला आप लोगों को, लाइव सेशंस होंगे. चलो सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है. और साथ ही साथ आपको क्या करना है, vedantu.in/medicalv, एक ऐसा ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहां पर 8000 के करीब बच्चे अभी तक इसको ज्वाइन कर चुके हैं.
तो इतने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? सो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप राइट नाउ, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। चलिए शुरू करें फटाफट से। अब बैग कैसे जीत सकते हो ना, वो सेशन के एंड में बताऊंगा, ठीक है? सो वंडरफुल बैग आप कैसे जीत सकते हो, उसके लिए आपको पूरा सेशन देखना है। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल टेल यू कि आप ये वंडरफुल बैग कैसे जीत सकते हो। यू वांट टू विन द बैग। ओके, हाउ इज लुक? इट्स रियली कूल। इस बैग को अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा, ठीक है? चलो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस, स्टार्ट करें। चलिए, लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क के टोटल चार मेथड थे, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वर्क के टोटल चार मेथड थे। ये इनिशियल प्रोसेस होता है जिसमें आप जो ओर होती है उसकी सफाई करने की कोशिश करते हो अलग अलग तरीकों से। तो पहला मेथड क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा मेथड क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन। तीसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और चौथा मेथड है लीचिंग। सो इनमें से मेथड कहां कहां कौन कौन से लगाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग। सो सबसे पहले तो मैं आपको जब टॉपिक बता रहा हूं तो टॉपिक के पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, ओके? सो हाइड्रोलिक वॉशिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। सब बच्चे ध्यान से नोट डाउन करिएगा, सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग के टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, जरा आप नोट डाउन करिए। नोट नंबर वन, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और प्रिंसिपल का नाम क्या है, डेंसिटी डिफरेंस। और में जो मेटल होता है और जो गैंग होती है, सो मेटल और गैंग के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डेंसिटी का डिफरेंस बहुत अच्छा है तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में। दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से इसको समझो। पहला जो इंपॉर्टेंट नोट है, जो कि ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, सो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, डेंसिटी डिफरेंस। अगर मेटल और गैंग, जिसको आप अलग करना चाहते हो, उन दोनों के बीच में डेंसिटी का अच्छा खासा डिफ, डेंसिटी का मतलब क्या है, मेटल भारी होता है, डेंस होता है, गैंग भारी नहीं होते, ठीक है? तो जो मेटल भारी है डेंस है, जो गैंग डेंस नहीं है, उनमें आप हाइड्रोलिक वॉशिंग से बड़े आसानी से सेपरेशन कर सकते हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब कितने बच्चों ने ये चीज लिखी, अभी मैं नोट करने वाला हूं कि कौन कौन बच्चा ईमानदारी से इस चीज को लिख रहा है। तो यहां पर चैरले टेवर ने लिखा, साधना ने लिखा, निधि ने लिखा, सपना ने लिखा, विक्रमेश ने लिखा और सिमरन शाह ने लिखा। लिखो बच्चों, जितना ज्यादा लिखोगे ना उतना ज्यादा याद होगा। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट क्या है, यूजफुल फॉर द ओर ऑफ हैवी मेटल्स लाइक टिन, लेड एंड आयरन। देखो आ गया कि एक्चुअली हाइड्रोलिक वॉशिंग आप इस्तेमाल कहां करते हो। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल किया जाता है टिन में, लेड में, आयरन में, जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अपन को सबको पता है, अपन को पता है कि नहीं पता कि सबसे ज्यादा डेंस मेटल कौन सा है, लेड। ओके, सो लेड सबसे ज्यादा डेंस है। इसके अलावा टिन और आयरन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आ गया? सो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करते रहना। उसके अलावा लाइट और कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेट, इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आप डेंस मेटल को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, लाइट को इससे नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस अभी बताने वाला हूं उससे आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लोगे कि अगर कोई लाइट मेटल हुआ, जैसे कि एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है बच्चों, उसको आप हाइड्रोलिक वॉशिंग से नहीं कर सकते हो। ओके, सो आप ये ध्यान रखना, छोटी मोटी चीजें लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स को दोबारा देख लो। पहला नोट है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डेंसिटी डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी इसके बारे में अभी मैं और डिटेल बताने वाला हूं। दूसरा क्या है, हैवी मेटल के लिए बहुत उपयोगी मेथड है, लेकिन साथ साथ आप लाइट मेटल में आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। जो मेटल लाइव लाइट होते हैं, जिस ओर के अंदर जो मेटल लाइव होते हैं, लाइट होते हैं, उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। चलो अब इसकी प्रोसेस को हम लोग जरा जान लेते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए क्या करते हैं, सो ये आपके सामने डायग्राम बन रहा है। कई लोगों को शायद डायग्राम ना दिख रहा हो, तो उसके लिए मैं हूं ना, तो आप चिंता क्यों करते हो? अरविंद अरोड़ा जिंदा है तब तक जब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसका है ये, तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो चलो मैं आपको बताता हूं हाइड्रोलिक वॉशिंग में करते क्या है। तो ये डायग्राम है, सबसे पहले तो आपको ना यहां पर एक दिख रहा होगा, ये लंबा सा पाइप, नहीं दिख रहा तो बता देता हूं, ये एक पाइप है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पाइप है, सही है?
इस पाइप से तेज धार निकलेगी पानी की, वाटर है यहां पे, वाटर निकलेगा बहुत तेज स्पीड से, हाई स्पीड से पानी निकलेगा यहां से, ध्यान से समझ लेना, यहां से हाई स्पीड से पानी आएगा, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से पानी आएगा। अब पानी यहां से आ रहा है, अब ये हमारे पास एक है फनल, ओके, इस फनल से आप क्या करोगे, इसको हाइड्रोलिक क्लासिफायर भी कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर भी कहते हैं, यहां से आप क्या करोगे, क्रस्ट, आप कुछ भी काम करने से पहले ना ओर को क्रश जरूर करोगे, क्रस्ट ओर को डालना होता है, तो यहां से ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, क्रस्ट ओर को डालेंगे, क्रस्ट ओर को यहां से डालेंगे। पता है ये काम बचपन में भी करते हैं, कैसे मैं आपको बताऊं, आपको कभी अगर ना रस्ते पे सिक्का मिला हो, सिक्का मिला है कभी रस्ते पे, बहुत पुराना दबा हुआ सिक्का मिल गया, अब उसमें क्या करते हो पता है, घर पे पाइप होती है पानी की, प्लास्टिक वाली पाइप, आप ना सिक्के को बीच में रख दो और पानी से तेज धार निकालो, ठीक है, तो तेज धार मिट्टी को बहा के ले जाएगी और आपका सिक्का साफ हो जाएगा। करे हो घर पे कि नहीं करे हो, सच्ची बताना, कई लोग तो सुसु से भी करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा क्यूटी पाई से बच्चे, वो क्या करते हैं, पानी से धार नहीं निकालते, सुसु से धार निकाल रहे होते हैं। सो धार निकालोगे, जो जिससे भी निकालना, जो आप पानी से धार निकालोगे ना, तो वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा और मेटल वहीं का वहीं रह जाएगा, बस उसी प्रोसेस पे काम करते हैं। तो जिस साइंटिस्ट ने तरीका निकाला होगा, ठीक है, उसने किसी ने किसी बच्चे को ये काम करते देखा होगा, क्योंकि बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं। तो अब आप देखो, मान लो कि छोटा सा किड है, छोटा सा बच्चा है, उसने क्या किया, उसको ना एक बढ़िया सा सिक्का मिला, एक सोने का सिक्का, एक गोल्ड कॉइन मिला होगा पुराने जमाने में, तो उसने क्या किया, उसको रखा और सुसु करना चालू कर दिया, ठीक है, फील करना, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसने सुसु करना चालू कर दिया, आप सुसु करा तो उससे क्या फायदा हुआ, जब उसने सुसु करा, सुसु से तेज धार निकला, तो उससे सोने के ऊपर जो मिट्टी थी वो तो बह गई सुसु के साथ में, लेकिन सोने का सिक्का वहां चमकता रहा। आ रहा है समझ में? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया होगा, ओ माय गॉड, दिस इज अ मेथड, मेथड का नाम क्या रख दिया उसने, हाइड्रोलिक वॉशिंग, समझ में आया, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग उसका नाम रख दिया। तो उसने क्या किया, यहां से पाइप ली, यहां से तेज पानी आएगा, ऊपर से यहां पर क्रस्ट और पाउडर फॉर्म में ऊपर से डालनी है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर मेटल भी होगा और गैंग भी होंगे, मेटल तो होगा ही होगा, साथ में गैंग भी होंगे, ठीक है, सो गैंग भी होंगे, मेटल प्लस गैंग। अब गैंग जो होते हैं वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं, मेटल जो होता है वो भारी होता है। सो इन दैट केस अगर आप यहां से दोनों चीजें गिराओगे, ये पानी तेज बहाव में बहते हुए गैंग को आगे ले जाएगा, ठीक है, सो गैंग बहता हुआ आगे चला जाएगा और जो हैवी मेटल है वो नीचे बैठ जाएगा यहां पर। ये देखो, ये हैवी मेटल है जो नीचे बैठ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है, सबको समझ में आ गया, इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। इजी है ना, बहुत आसान है ना। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेटल का भारी होना जरूरी है, अगर मेटल खुद हल्की हुई तो साथ ही मिट्टी के साथ ही बह जाएगी। आ रहा है समझ में? सो आप देखो, जब आप विजुअलाइज करते हो ना चीजों को, समझने की कोशिश करते हो, तो चीजें आसान हो जाती है। सो हाइड्रोलिक वॉशिंग का तरीका ये है। इज दिस क्लियर? इजी पीजी, बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर अचिता इज सेइंग सुसु मेथड, दिस नॉट द सुसु मेथड, बट या दैट्स अ मेथड। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया, सिंपल है ना। तो अब यहां पर है ना, देखो कुछ चीजें जानने लायक थी। पहला तो डेंसिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, मेटल बस भी डेंस, ज्यादा डेंस मेटल के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। सो ये मेथड है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सिंपल है, बच्चों के जैसा जो अपने कर लिया। अब अपन आगे देखते हैं, ये देखो जेट ऑफ वाटर है जिससे तेज धार निकले पानी की, ठीक है, इसलिए लिखा है जेट ऑफ वाटर। सबको समझ में आ गया? और ये क्या है, क्रस्ट और यहां से डालेंगे, हैवी आपको और यहां पर मिल जाएगा और यहां पर गैंग आपकी पानी के साथ आगे बह जाएंगी। सबको समझ में आ गया? पानी के साथ गैंग आगे बह जाएंगी। अब अपन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। सो ये हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड हो गया। इज दिस क्लियर? हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड हो गया, सबको समझ में आया? अब अपन चलेंगे आगे। सो अभी जो हाइड्रोलिक वॉशिंग का मेथड मैंने बोला, उसका प्रोसीजर क्या है, जरा उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, जो मैंने बोला उसको मैंने यहां पर लिख भी रहा हूं, तो एक एक करके प्रोसीजर को चेकआउट कर लेते हैं कि एक्चुअल में यहां पर हम करते क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, जेट ऑफ वॉटर इज पास्ड फ्रॉम, पानी क्या करेंगे, बहुत तेजी से एक साइड से निकालेंगे, पास फ्रॉम वन साइड, ओके, ये काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्रस्ट ओर इज पोर्ड फ्रॉम, यस, हाइड्रोलिक क्लासिफायर, ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, क्रस्ट ऑयल को डालेंगे, यहां से पानी पास कराएंगे, यहां से ओर को डालेंगे। सबको समझ में आ गया? और उसके बाद क्या करेंगे, बस उसके बाद तो क्या होगा, हैवी ओर पार्टिकल गेट सेटल डाउन, जो मेटल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और फाइनली उसके बाद क्या होगा, यस, लाइटर गैंग पार्टिकल बह के आगे निकल जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर हो गया, सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर के सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है क्या, नाम पढ़ो सब लोग, दैट इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इज दिस क्लियर? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। चलो तो अगला टॉपिक का नाम कौन कौन लिखा, कौन कौन तैयार है फ्रोथ फ्लोट, ये सबसे इंपोर्टेंट है, इस पे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन कौन फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए तैयार है? खुशी ने लिख दिया, कीर्ति ने लिख दिया, खुशी लास्ट टाइम की विनर है, तो खुशी और फैजल, और दूसरा लड़के का नाम शायद फैजल था या क्या था, तो दोनों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना एड्रेस भेज दो ताकि हम आपको वंडरफुल सी टी शर्ट है वेदांतु की तरफ से आपको भेज दें, तो प्लीज आप भेज दो, ठीक है, एड्रेस भेज दो ताकि मैं आपको यहां से टी शर्ट रवाना करूं, आपके पास पहुंचे, फिर फोटोज भेजना आप, आरिफ 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 यस आरिफ पटेल और खुशी, प्लीज आप अपना एड्रेस जरूर भेजिएगा। चलो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भैया, ये इस पे सवाल आते हैं, सच्ची बता रहा हूं, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अब अपना पूरा ध्यान यहां पे लगाना, क्लियर होता है? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, पहले अपन क्या करेंगे, यहां से कुछ इंपोर्टेंट नोट्स को चेकआउट करेंगे, यहां से कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं उसको चेकआउट करेंगे, फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा डायग्राम के थ्रू, ओके। चलो सबसे पहले तो उसके कुछ इंपोर्टेंट नोट्स पर आ जाओ, सब लोग एक एक करके नोट्स को लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिखो, यूज्ड फॉर सल्फाइड और लाइक कॉपर जिंक FeNPb, लिखो सब लोग, ये मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन वाला मेटल के सल्फाइड ओर जो होते हैं, मेटल के सल्फाइड ओर, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरा देखना वीडियो को, तब अच्छे से समझ में आएगा, और जब जब आपको लगे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट सीखा समझा है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और #India #coachingfreeindia करके बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, पहला पॉइंट सब लोग लिखो, फ्रोथ फ्लोटेशन को हम लोग, स्पेशल है ये, बहुत स्पेशल है, उन मेटल के एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं जो कि सल्फाइड ओर्स हो। मैं एग्जांपल बताता हूं, जरा आप चेक करना, कॉपर का सल्फाइड ओर, जिंक का सल्फाइड ओर, Fe का सल्फाइड ओर, लेड का सल्फाइड ओर। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने ढंग से बताया ही नहीं, कॉपर के सल्फाइड ओर को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, जिंक वाले को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब यहां से चीजें बहुत काम की हैं, ठीक है। सो ये सबसे पहले सब लोग लिखोगे, कॉपर का सल्फाइड ओर, यानी कि जब भी आपको कॉपर ग्लांस का कॉन्सेंट्रेशन करना हो तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हो। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S, नोट डाउन करो सब लोग, लिखो नोट डाउन करो सब लोग, नोट डाउन करो, ये अब चीजें काम की हैं। Cu2S के कॉन्सेंट्रेशन के लिए आंख बंद करके आप फ्रोथ फ्लोटेशन यूज कर लेना, सबको समझ में आ गया, फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हैं। Cu2S को क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस। जो बच्चा नहीं लिख रहा है मजा नहीं आएगा, पूरा लिखना, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस यानी कि कॉपर का सल्फाइड, जिसको क्यूप्रस सल्फाइड भी कहते हैं। क्यूप्रस सल्फाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो कॉपर है वो प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो Cu2S का फॉर्मूला है ये माइनस के टू पर है और ये प्लस के वन पर है, सबको समझ में आ गया, इसको कॉपर ग्लांस या क्यूप्रस सल्फाइड भी कहते हैं। फॉर्मूले का पूरा ढंग से आप उधेड़ लेना उसको, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड, इसको क्यूप्रस सल्फाइड भी कहा जाता है। सो ये क्लियर हो गया सब लोगों को, समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, समझ में आ गया? कृष्णा पूछ रहे कौन सा चैप्टर चल रहा है, बेटा मेटलर्जी चल रहा है, दूसरा लेक्चर है इसका। सबको कॉपर ग्लांस समझ में आ गया? अब कॉपर ग्लांस के बाद आता है जिंक ब्लेंड, लिखो नाम, बिना नाम के क्या बनेगा जिंक ब्लेंड, कल को आ गया, मान लो ऐसे लिखा है जिंक ब्लेंड के लिए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मेथड यूज होता है, तो क्या जवाब दोगे, अपने को तो पता ही नहीं है जिंक ब्लेंड, तब लाल कलर की चड्डी याद कर लेना और तो क्या होगा। सो जिंक ब्लेंड, राइट इट डाउन राइट नाउ, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ZnS, जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहा जाता है। इज दिस क्लियर? जिंक सल्फाइड को जिंक ब्लेंड कहा जाता है। उसके बाद आ जाओ आयरन पाइराइट, पायरेट्स ऑफ करेबियन देखी कि नहीं देखी, पायरेट्स ऑफ करेबियन देखी कि नहीं देखी, आयरन पाइराइट, पता नहीं क्यों मूवी का नाम बोल रहा हूं। सो आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन पाइराइट का फॉर्मूला होता है Fe2S, ये वन ऑफ द मिनरल ऑफ Fe2S। अब यहां पर देखो आयरन पाइराइट की खास बात क्या है, आयरन पाइराइट की खास बात ये है कि आयरन पाइराइट जिसका फॉर्मूला Fe2 है, जिसमें सल्फर -1 पर है, मतलब ये क्या है, ये पर सल्फाइड है,
ये लिख लो, क्योंकि सल्फर माइनस के वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो दिस इज कॉल्ड पर सल्फाइड। ये पर सल्फाइड है जो बहुत कम बच्चों को पता होता है कि सल्फाइड, सल्फर जब माइनस के वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर होती है उसको पर सल्फाइड कहते हैं। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन माइनस का वन है क्योंकि Fe यहां पर प्लस के टू पर है, प्लस के टू से ऊपर हो नहीं सकता, इसको आयरन पाइराइट कहा जाता है। इसके ऊपर सवाल बहुत पूछा जाता है। सो जब भी आपको आयरन पाइराइट का क्या करना हो, कॉन्सेंट्रेशन करना हो, तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करते हो। लिखते जाओ, जितने ज्यादा लिखोगे ठीक है उतना ज्यादा याद होगा। सो आयरन पाइराइट जिसमें सल्फर माइनस के वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, रेडॉक्स का क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। उसके बाद कौन है, गैलेना, सेलेना गॉम्स, अरे क्या हीरोइन का नाम है वो, सेलेना, गैलेना। सो गैलेना मतलब पीबीएस, लिख लो, गैलेना मतलब पीबीएस, मतलब समझो जिस ओर मेटल ओर में सल्फर दिख जाए, जिस मेटल ओर में सल्फर दिख जाए उसके लिए आप फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करोगे। मेरे वर्ड्स को नोट डाउन कर लो, जिस मेटल ओर में सल्फर दिख जाए उसके लिए आप फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करोगे। आंख बंद करके नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल बताया मैंने, कॉपर ग्लास, जिंक ब्लेंड, आयरन पाइराइट एंड गैलेना। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? और अगर आप ये बैग जीतना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पूरे सेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है, पूरे सेशन को, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे जीतोगे। सो चलो बच्चों, सो फाइनली आगे चले, इज दिस क्लियर? ओके चलो, तो अब ये हो गया। अब पहला पॉइंट सबको क्लियर है, पहले पॉइंट से सवाल आते हैं, बता रहा हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट से सवाल आते हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट जरा आप देखो कि सल्फाइड ओर की क्या खास बात होती है। अब यहां से एक सवाल निकलता है जो कि आपको सबको समझना है, सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय ऑयल। खास बात यह होती है कि सल्फाइड ओर जो होती है ना वो ऑयल से गीली हो जाती है, ऑयल से गीली हो जाती है, सुसु नहीं करती है, ऑयल से गीली हो जाती है। पर ये किससे गीली होती है, ऑयल से, तेल से गीली हो जाती है। इज दिस क्लियर? अब क्यों होती है उसका कारण बताऊंगा मैं आपको, पर पहली बात तो ये कि क्यों इसको यूज करते हैं, क्योंकि सल्फाइड और ऑयल से गीली हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑयल यूज करेंगे एंड मूव्स अपवर्ड। जैसे ही ऑयल से गीली होती है, मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही ऑयल से गीली होती है ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। अब जब मूव कर जाती है, झाग बना ले तो झाग को अलग कर लो, ठीक है, अभी दिखाऊंगा, पहले तो सिर्फ बता रहा हूं, झाग को अलग कर लो। झाग को जैसे ही आप अलग करोगे आपका सल्फाइड मेटल अलग हो गया। ये तरीका है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से करूंगा, पर इसको आप ध्यान दो। पॉइंट नंबर टू क्या है, पॉइंट नंबर टू ये है कि क्यों सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, क्यों सल्फाइड ओर के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण यह है कि सल्फाइड ओर ऑयल से गीली हो जाती है और ऑयल से गीली होकर ऊपर उठ जाती है। ऑयल से गीली होकर सल्फाइड ओर ऊपर उठ गई, गैंग नीचे रह गई। अब जो चीज ऊपर उठ गई उसको अलग कर लो। आ गया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको क्लियर है? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, सबको क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के बाद अपन उसके मेथड को चेक करेंगे, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास, ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, और जो भी पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सब डाउनलोड कर लेना। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तीसरा पॉइंट, लेकिन उससे पहले एक सवाल है। सवाल ये है, व्हाई डज सल्फर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल नॉट बाय वाटर। सवाल देखो कितना बढ़िया सवाल लिखा हुआ है, और ये सवाल आपको कई बार इंटरव्यूज में, आजकल तो इंटरव्यू नहीं होते, पुराने जमाने में इंटरव्यू होते थे कि फ्रोथ फ्लोटेशन में सल्फर के साथ ऐसा क्यों होता है। व्हाई डज सल्फर पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल नॉट बाय वाटर। सल्फर पार्टिकल ऑयल से गीले हो जाते हैं, पानी से गीले नहीं होते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों, क्यों भाई क्यों? तो मैं इसका जवाब देता हूं, ऐसा इसलिए होता है, सल्फर हैज अ लार्ज साइज एंड पुअर हाइड्रेशन। सल्फर का साइज बहुत बड़ा होता है और उसकी हाइड्रेशन बहुत पुअर होती है, पानी लाइक नहीं करता सल्फर को, क्यों, साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन, आपको पता है, आपको याद है लिथियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता था, क्यों, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत छोटी है, हर कोई अटैक करता है, पानी अटैक करने लग जाता, सल्फर का साइज बड़ा है, उसका हाइड्रेशन नहीं हो पाता, पानी लाइक नहीं करता, इसलिए ऑयल के साथ वो ऊपर उठ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो कि सल्फर हैज अ लार्ज साइज दस पुअर हाइड्रेशन। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, जितने लोग हैं लिखते जाओ, क्योंकि ऐसी चीजें आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलेंगी। सल्फर क्यों ऑयल के साथ गीला हो जाता है, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है, उसकी हाइड्रेशन बहुत पुअर होती है, हाइड्रेशन उन्हीं की होती है जिसकी साइज छोटी हो, याद करो आप लोग,
लिखो इसको, सल्फर का लार्ज साइज और उसकी पुअर हाइड्रेशन की वजह से ऐसा होता है, और हम लोग इसीलिए यहां पर सल्फर के ओर को इस्तेमाल करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन में। छोटी छोटी चीजें लेकिन कितना बढ़िया यहां पर आपको सीखने और समझने को मिल रहा है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिखते जाओ, मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करो साथ में। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वॉटर। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? मिट्टी, मिट्टी तो पानी से गीली हो जाएगी, तो गैंग पार्टिकल वाटर से गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं, वाटर से गीले होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो सीन क्या है, सल्फर तेल से, ऑयल से गीला होकर ऊपर चला जाएगा, मिट्टी पानी से गीली होकर नीचे बैठ जाएगी। तो एक ऊपर चला गया, एक नीचे चलेगी, अलग कर दो अलग कर दो अलग कर दो, सबको समझ में आ गया? अलग कर दो अलग कर दो अलग कर दो, सबको समझ में आ गया क्या? कितना आसान है, देखो ये है सल्फर, सुनो ये सल्फर, ये मिट्टी, ये दोनों एक साथ साथ है, ओके, ये दोनों एक साथ साथ है। अब आपने क्या किया, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल सल्फर को ऊपर ले गया, पानी मिट्टी को नीचे ले गई, अलग हो गए, मार डालो अलग हो गए, अटैक कर दो अलग कर दो, समझ में आ गया? इतना सा खेल है, किस किस को समझ में आ गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एस माने सल्फर, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो ये तरीका होता है इसको अलग करने का, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन। तो चलो अपन एक बार उसको डायग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं, कई लोग तो सोचते हैं प्रैक्टिकली समझाओ, तो प्रैक्टिकली हम लोग अभी समझाते हैं। देखिए भैया ये डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन को समझने वाले हैं, इज दिस क्लियर? तब होता क्या है जरा आप चेक करना, ओके, अब होता क्या है जरा आप चेक करना, ये सारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जरा आप चेक कर लो भैया बहुत ध्यान से, अब यहां पर क्या होने वाला है जरा उसको अपन चेक करेंगे, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? अब क्या होने वाला है जरा आप उसको चेक करो। यहां पर सबसे पहले क्या होता है, ये ना हमने एक पाइप लगा रहा, ध्यान से समझना, पहले ये कंटेनर है, ऐसा कंटेनर को समझो, उस कंटेनर में हमने क्या किया, पानी डाला, तो ये पानी है, सबको समझ में आ गया? पानी के अलावा यहां झाग बने, तो झाग, फ्रोथ को झाग बोलते हैं, जिसको नहीं पता, अंग्रेजी में फ्रोथ, हिंदी में झाग, झाग कहलाती है। झाग बनाने के हम लोग यहां पर ऑयल डालते हैं, अब ऑयल पाइन ऑयल होता है वैसे तो, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, पाइन ऑयल डालते हैं, पाइन ऑयल क्यों डालते हैं, ताकि झाग बने, फ्रोथ बने, फ्रोथ माने झाग होती है, सो फ्रोथ या झाग बने उसके लिए हम लोग पाइन ऑयल डालते हैं, सबको समझ में आ गया? सो ये पाइन ऑयल हम लोग इसके अंदर डालते हैं ताकि झाग बने, झाग बनेगी तो एक्चुअली तभी उस ऑयल डाला है, ऑयल से झाग बनेगा, झाग कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, उसी से सल्फर के जो ओर है वो गीली होकर ऊपर जाएगी, ठीक है, साथ साथ में हम लोग झाग झाग बनी रहे। आपको पता है, आपने कभी सर्फ घोला है बाल्टी के अंदर, कभी ट्राई करना, जब सर्फ घोलते हो बाल्टी के अंदर ऐसे ऐसे करके, झाग ज्यादा देर तक नहीं रहती है, जब तक आप हिलाते रहते हो ना ऐसे करके, यूं करके घोलते रहते हो घोलते रहते हो, तब तक आपको झाग दिखती है सुंदर सुंदर, लेकिन थोड़ी देर में ही वो झाग गायब हो जाती है। देखा है कभी, खुद के चड्डी बनियान तो धोते क्यों नहीं देते हो, नालायक है कई लड़के तो चड्डी बनियान भी मम्मी को देते हैं, मम्मी मेरी चड्डी धो दो, ऐसे नालायक है, सच्ची बता रहा हूं, तो खुद की चड्डियां तो कम से कम खुद से धोया करो, जब धो तो सर्फ लेना, सर्फ को बाल्टी के अंदर डालना और उसको ऐसे 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 घुलना, ठीक है, तो आपको झाग दिखेगा, बड़ा मजा आएगा आपको, झाग ऐसे यूं करके यूं भी ले सकते हैं, आह झाग, फाइनली वो झाग है ना थोड़ी देर में गायब हो जाती है। इसका मतलब झाग को बने रहने के लिए हमें स्टेबलाइजर चाहिए, तो हम यहां पर झाग को बनाए रखने के लिए यहां पर एक स्टेबलाइजर डालते हैं, जिसको फ्रोथ स्टेबलाइजर कहते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रोथ स्टेबलाइजर। अब फ्रोथ स्टेबलाइजर के लिए हम लोग क्या डालते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, डोंट वरी सब कुछ बताऊंगा। तो हम क्या क्या डाल रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाल रहे हैं, ठीक है, सब जरा ध्यान से चेक कर लो। अब यहां पर है ना, उसके अंदर हमने एक और अरेंजमेंट करके रखा है, ये देखो पाइन ऑयल लिखा भी है, ठीक है, पाइन ऑयल यहां पर डालते हैं, अब यहां पर फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाला जाता है, वो क्या होता है आपको बताता हूं, साथ में यहां पर है ना एक कंप्रेशन पंप है, ये देखो अपन कभी, आप देखे हो, आप कभी मेले में गए हो, मेले में गए हो तो आपने कभी बुलबुले, बुलबुले बनाने वाला एक ऐसे करके बुलबुले जिसमें आप हवा से यूं करते हो करके तो बुलबुले उड़ते, देखा है कभी, तो ऐसा ही बस बुलबुले पैदा करने के लिए ताकि झाग बने हम लोग यहां पर क्या करते हैं, कंप्रेशन ऑफ एयर लगाते हैं, ये वाला ये सेटअप लगाया है, सेटअप लगा के यहां से ना हवा पास करवाते हैं, ठीक है, हवा पास कराते हैं यहां से, हम खुद हवा पास कराते हैं जिससे हवा यहां से निकलती है, इन छेदों से, इन होल से निकलती है। ओहो मैं काला हो गया एकदम से, वेस्ट इंडीज से आने लगता हूं, लाइट चली गई है, ठीक है, तो घबराना मत। तो फाइनली यहां से क्या होता है, ये हवा निकलती है यहां से, और जैसे हवा निकलती है बुलबुले पैदा होते हैं, बुलबुले, बुलबुले समझते हो,
यहां से फ्रोथ बनेगा, बुलबुले पैदा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं गोरा हो गया वापस। सो फाइनली यहां से बुलबुले पैदा होते हैं जिससे फ्रोथ बननी चालू हो जाती है। या तो दो तरीके है, आप कभी लस्सी बनाए हो घर पे, मम्मी को लस्सी बनाते देखा, मम्मी ऐसे ऐसे करती रहती है जिससे झाग बनती है, लस्सी में झाग बनती है, झाग ऊपर आ जाती है, या तो ये तरीका है। नहीं तो आप इस यहां से हवा पास कराओ, यहां से बुलबुले उठेंगे, कॉमन बात है, बचपन में मैंने भी किया है, खूब ऐसे हवा हवा ऐसे करके डालते हैं तो बुलबुले उठते हैं। अब बुलबुले उठते हैं तो उससे क्या होता है, बेसिकली उन बुलबुलों से झाग बनती है ऑयल की, और वो ऑयल की झाग क्या करेगी, जैसे यहां से बुलबुले होंगे, यहां से ये पार्टिकल क्या, उन बुलबुलों की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स बुलबुलों की वजह से आएंगे बिल्कुल बीच में। अब उसमें से जो सल्फर पार्टिकल होंगे वो झाग के साथ क्या चले जाएंगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो ऑयल से गीले होते हैं। सल्फर पार्टिकल किससे गीले होते हैं, ऑयल से, तो ऑयल से गीले होंगे, ऑयल से गीले होकर झाग बनाएंगे, झाग बना रहे हो, झाग ऊपर इकट्ठी होती है, सबको पता है झाग क्या नीचे बनती है पानी के, कभी देखे हो चड्डी बनियान धोना अपना तो मालूम पड़ेगा, सर्फ घोलोगे तो झाग ऊपर होती है सरफेस के। तो इसी तरह से यहां जो झाग बनेगी, जो फ्रोथ बनेगी बेसिकली, वो ऊपर बनेगी, वो झाग क्या करेगी, सल्फर वाले जो और पार्टिकल्स हैं उनको ले जाएगी ऊपर, और जो गैंग है वो नीचे बैठ जाएगा। तो यहां से अब जो ये जो झाग है जिसके अंदर सल्फर का वो ओर है, वो ओर जो सल्फर का है, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा। अब इसको क्या करो, तुम हाथ से ऐसे बाहर निकाल लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे करके झाग को बाहर निकाल लो। सबको समझ में आ गया, अब ये झाग को तुम बाहर निकाले तो बेसिकली झाग के साथ ही क्या तुम्हारा मेटल सल्फाइड बाहर आ गया। सबको समझ में आ गया। अब तुम कहोगे सर मेटल सल्फाइड तो फिर गंदगी कहां गई, तो गंदगी नीचे बैठ गई, सारी गंदगी नीचे बैठ गई, नीचे की तरफ बैठ गई। ये तरीका होता है, इज दिस क्लियर। तो दोबारा समझा देता हूं, यहां से तुमने बबल छोड़े, ठीक है, बबल देखो मुंह से छोड़ने, कहीं और से मत छोड़ देना। तो यहां से बबल छोड़े, जैसे ही बबल छोड़े यहां से बुलबुले उठेंगे और यहां से झाग बनेगा, झाग बनेगा ऑयल का, ऑयल का झाग सल्फाइड पार्टिकल को ऊपर ले जाएगा जिसको तुम बाहर निकाल लोगे, और जो गैंग है वो नीचे बैठ जाएगी। ये तरीका होता है। सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, हाँ सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ठीक है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं उनको देखो, वो सवाल कौन से है जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो सवाल क्या है यहां से जो पूछे जाते हैं, चलो ये हो गया तरीका, ये सेटअप होता है पूरा, एक कंटेनर, कंटेनर के साथ एयर कंप्रेशन, इसमें पाइन ऑयल, इसमें तुम्हारी ओर, इसमें स्टेबलाइजर, सबको डाला जाता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसके प्रोसीजर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर नोट डाउन करो सब लोग, फ्रोथ फ्लोटेशन के लिए प्रोसीजर क्या होता है सब लोग ध्यान से चेक करना, ठीक है। सो ये हमारे पास सेटअप था फ्रोथ फ्लोटेशन का, अब उसके प्रोसीजर को अपन चेक करते हैं। चलो भैया उसके प्रोसीजर को चेक करते हैं, कहाँ है, ये काम ही नहीं करता क्या, चलो तो अपन इसे करना पड़ेगा, उसके प्रोसीजर को चेक करते हैं। चलो सो प्रोसीजर नंबर वन, सबसे पहले क्या करोगे, फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद वाटर एंड पाइनोल। मैंने कहा था आपको क्या करना है, पानी और पाइनोल के साथ आपको ओर को मिक्स करना है। पहला सबको समझ में आ गया, इसी सेटअप के अंदर पानी डालो, पाइनोल डालो और साथ में पाउडर को मिक्स करो। पाइनोल क्यों डाला, ताकि झाग बने, और झाग बने और सल्फाइड के ओर उस झाग के साथ ऊपर चले जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको क्या करना है जरा आप चेक करो, फिर आपको क्या करना है जरा आप चेक करो, सेकंड इज लुक एट इट, पहला वाला हो गया, सेकंड मिक्सचर जरा आप चेक करना, सेकंड वाला देखो जरा ध्यान से, सेकंड है मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद, क्या था यार आज गड़बड़ हो रही है, मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। सेकंड वाले में क्या करना है आपको, यहां से हवा पास करानी है, और एग्रीगेटेड का मतलब समझते हो, ताकि चक्रवात सा पैदा हो और यहां से क्या बुलबुले उठे, वो काम करवाना है हिंदी में बोलूं तो जैसे आप यहां से हवा पास कराओगे बुलबुले उठेंगे और बुलबुले झाग बनाएंगे जो झाग ऊपर चली जाएगी। उसके बाद तीसरा वाला क्या है जरा आप चेक करो, तीसरा है और पार्टिकल राइज टू द सरफेस अलोंग विद द फ्रोथ। जो और पार्टिकल होंगे सल्फर वाले और पार्टिकल, वो तो फ्रोथ के साथ ऊपर चले जाएंगे, और जो गैंग है वो मिट्टी के साथ नीचे चली जाएगी। तो ये प्रोसीजर है, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ये गैंग पार्टिकल जो नीचे चले जाएंगे। तो ये तरीका है ओवरऑल, इज दिस क्लियर। अब अपन आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो यहां से हमारे मेन पैरामीटर्स ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, अब जो है
अब जितने भी सवाल हैं वो एग्जाम में आते हैं। अब ध्यान से समझना, यहां से मेन पैरामीटर ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन के मेन पैरामीटर की तरफ आते हैं। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया? और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो मैं बोला हूं ना सिर्फ उस प्रोसीजर को आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अलिंगम डायग्राम हार्ड नहीं है, आई डू इट, और मैं आपको तरीका बताऊंगा उसको सोल्व करने का, तो चिंता मत करो, बहुत आसान है। अब मेन पैरामीटर की तरफ आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर फ्रोथर, जो झाग बनाएगा वो कौन होता है? पाइन ऑयल। सब लोग नोट डाउन करो, सवाल यहां से पूछे जाते हैं और जो बच्चा नोट डाउन करेगा उसकी बल्ले बल्ले, ठीक है। अब देख रहा हूं मैं कौन ईमानदारी से नोट डाउन कर रहा है। बैग अगर आपको वाकई में चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो यहां पर फ्रोथर कौन होता है? पाइन ऑयल, याद करो पाइन ऑयल। और पाइन ऑयल के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है? यूकलिप्टस ऑयल भी बोला जाता है। ऑयल शुड बी लेस डेंस टू वॉटर, बट ऑयल सेलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होनी चाहिए, अदरवाइज ज्यादा हुई तो फिर वो ऊपर कैसे जाएगा? इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? तो पाइन ऑयल या फिर उसको बोलते हैं हम लोग यूकलिप्टस ऑयल, आप लिख लो कि यूकलिप्टस ऑयल भी कहा जाता है। इस नाम से आ गया तो क्या करोगे फिर? आपको सिर खुजाओगे, सर क्या हो गया, पता नहीं लगा। सो पाइन ऑयल को यूकलिप्टस ऑयल भी कहते हैं, और वो ऑयल एक्चुअली ऐसा होना चाहिए जिसकी पानी से डेंसिटी कम हो। इज दिस क्लियर? पानी से डेंसिटी कम हो। अब आ जाओ, पहला वाला हो गया। दूसरा होता है कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब आप फ्रोथ को कलेक्ट करोगे, कलेक्टर ये कौन होता है जरा आप उसको चेक करो। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो फ्रोथर मालूम पड़ गया। अब यहां पर एक नई चीज भी है जिसको कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर के लिए हम लोग क्या डालते हैं यहां पर जरा आप चेक करो? पोटेशियम इथाइल जिंथेट डालते हैं। भैया ये सवाल बहुत पूछा जाता है। कलेक्टर के लिए हम लोग पोटेशियम इथाइल जिंथेट डालते हैं। आप लिखिए, कलेक्टर के लिए हम लोग पोटेशियम इथाइल जिंथेट डालते हैं। उसका काम क्या होता है? टू एनहेंस दी नॉन मेटेबिलिटी, आई एम सो सॉरी, टू एनहेंस दी नॉन मेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मतलब समझो कि कलेक्टर को डालते क्यों है। सब लोग यहां पर आप नोट डाउन करो, फ्रोथर कौन होता है? पाइन ऑयल। लेकिन कलेक्टर यहां पर पोटेशियम इथाइल जिंथेट, पोटेशियम इथाइल जिंथेट क्या करता है जरा आप चेक करो? टू एनहेंस दी नॉन मेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल की नॉन मेटेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो पानी से गीले ना हो, वो ऑयल से गीले हो और ऊपर चला जाए। सबको समझ में आ गया? जरा आप चेक करना, टू एनहेंस दी नॉन मेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, कलेक्टर के तौर पर, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कलेक्टर कलेक्ट नहीं, मैं दोबारा समझाता हूं, सामने उसका यूज भी लिखा हुआ है, समबडी इज आस्किंग, टू एनहेंस दी नॉन मेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल। जो आपके ओर पार्टिकल है, सल्फाइड ओर पार्टिकल, उनकी नॉन मेटेबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो पानी से गीले ना हो। समझ में आ गया? वो ऑयल से गीले हो और ऊपर चले जाए। सो इसके लिए हम लोग पोटेशियम इथाइल जिंथेट डालते हैं। इज दिस क्लियर? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या करेगा? वो उसको सपोर्ट करेगा बेसिकली जो क्या हो, वाटर, हाइड्रोफोबिक, उसको सपोर्ट करेगा। सो ये वही काम कर रहा है। पोटेशियम इथाइल जिंथेट यहां पर क्या कर रहा है? हाइड्रोफोबिक बना रहा है। किसको? ओर को और हाइड्रोफोबिक बना रहा है, जिससे वो पानी से गीले ना हो, वो ऑयल से गीले हो और ऊपर उठ जाए। सबको समझ में आ गया? उसके लिए आप क्या डालते हो? पोटेशियम इथाइल जिंथेट। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूं। पोटेशियम इथाइल जिंथेट ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथाइल जिंथेट। अब यहां से ये नॉन मेटेबिलिटी बढ़ाता है मिनरल की, ताकि मिनरल क्या हो बेसिकली, मिनरल यहां से नॉन मेटेबिलिटी उसकी बढ़े, पानी से गीला ना हो, ऑयल से गीला और वो ऊपर बढ़ जाए। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर ये कलेक्टर हो गया। नाउ विल सी नेक्स्ट, ये कलेक्टर के बाद क्या है जरा आप चेक करो। कलेक्टर के बाद क्वेश्चन यहां पर एक एक करके पूछा जाता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर, मैंने आपसे कहा था आपकी जो फ्रोथ है वो स्टेबल रहे, फ्रोथ यानी कि झाग जो बनी है वो स्टेबल है। मैंने आपसे कहा था कि झाग ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती है। स्टेबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या डालते हैं यहां पर जरा आप चेक करना। उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं या तो एनिलीन, या फिर डालते हैं हम लोग जिसका फॉर्मूला ये, या फिर डालते हैं क्रिसोल। नोट डाउन करो, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5NH2। नाउ दिस इज एनिलीन। तो फ्रोथ की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग एनिलीन डालते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द एनिलीन इज C6H5NH2। नाउ दिस इज द फॉर्मूला। क्रिसोल भी डाल सकते हो जिसका फॉर्मूला ये होता है। क्रिसोल के अंदर क्या होता है आप चेक करो। यहां पर फिनोल के साथ आप जरा चेक करो, यहां पर फिनोल के साथ किस पोजिशन पर लगा हुआ है? कौन सी?
ऑर्थो पोजीशन पे आपने CH3 लगाया, इज दिस क्लियर? तो OH ग्रुप के साथ ऑर्थो पोजीशन पे जब आप CH3 डाल देते हो, लगा देते हो, तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। सो यहां पर इसको एनिलीन कहा जाता है, इसको क्रिसोल कहा जाता है, इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो एनिलीन और क्रिसोल को हम लोग फ्रोथ स्टेबिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किस इस्तेमाल करते हैं? फ्रोथ स्टेबिलाइजर के तौर पे, ताकि जो आपकी झाग है बेसिकली वो स्टेबल रहे, नहीं तो झाग खत्म हो जाएगी। इसके लिए आप खुद के घर पे एग्जांपल ले सकते हो। कल सब लड़के लोग अपना चड्डी धोओगे, जो चड्डी तुमने अमेजोन से लाल कलर का मंगवाया है, उसके लिए तुम सर्फ का इस्तेमाल करना, मम्मी को बोलना सर्फ देगी, झाग बनाना। वो झाग 2-3 मिनट तक ही रहती है, खत्म हो जाती है। ठीक है? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये एनिलीन और क्रिसोल हो गए, जिसको फ्रोथ स्टेबिलाईजर कहा जाता है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलो, तो अब अपन चलते आगे। नेक्स्ट क्या है? फ्रोथ स्टेबिलाईजर। ये सवाल पूछे जाते हैं, बता रहा हूं मैं, सवाल पूछे जाते हैं। अब अगला सवाल क्या है हमारे लिए, बाप जरा चेक करो। बोथ दी कंपाउंड्स, इन दोनों कंपाउंड्स की खास बात क्या है पता है? ये दोनों कंपाउंड बेसिकली क्या कर सकते हैं? कैपेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जैसे कि आप एनिलीन में भी देख रहे हो कि यहां नाइट्रोजन है और यहां पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। बेसिकली फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के काम करते हैं, ताकि वो वैनिश नहीं हो जाए। फ्रोथ स्टेबलाइजर हो गया। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया? अब अपन चलते आगे। अब भैया ये जो सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रोथ फ्लोटेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन करोगे। एक है टर्म डिप्रेसेंट, आप नोट डाउन करो, पहले टर्म को लिखो, डिप्रेसेंट। डिप्रेस मत होना बच्चों जब तक अरविंद अरोड़ा हूं। किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, लिखो टॉपिक, डिप्रेस नहीं होना। नाम क्या है? डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्यों डालते हो? डिप्रेसेंट तो उसको जरा चेक करते, ठीक है? जरा आप चेक करो डिप्रेसेंट, यहां जरा चेक करना डिप्रेसेंट। अभी डिप्रेसेंट क्या है जरा अपन उसको चेक करते हैं, ठीक है? तो आप जरा ध्यान से इसको चेक करना, डिप्रेसेंट क्या करेगा यहां पर। कई बार हम लोग डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल कि डिप्रेसेंट का इस्तेमाल कहां करते हो? आप डिप्रेसेंट का इस्तेमाल तब करते हो जब आपके पास किसी ओर में दो दो सल्फर के दो दो मेटल सल्फर हो, किसी ओर के अंदर दो दो मेटल सल्फर हो, मेटल सल्फर के कंपाउंड हो। अब मैं आपको और तरीके से समझाता हूं, आप चेक करना। यूज व्हेन द मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर इज प्रेजेंट, मतलब सल्फाइड ओर का मिक्सचर प्रेजेंट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कई बार क्या होता है, जैसे आपने ना ये ओर लिया, ये आपने निकाला ग्राउंड से, पता लगा कि इसके अंदर आपके पास पीबीएस यानी गैलेना भी है और ZnS यानी कि जिंक ब्लेंड भी है, दोनों है। अगर दोनों प्रेजेंट है तो हमारे लिए तो समस्या है, हमें तो यहां से क्या चाहिए? सिर्फ ZnS चाहिए, हमें पीबीएस चाहिए नहीं। एक और ऐसी है जहां पर पीबीएस भी पाया जाता है और ये इसकी क्वांटिटी कम होती है और ये एक इंप्योरिटी की तरह होता है, ठीक है? कई बार ऐसी ओर्स होती है जहां पर ये क्वांटिटी इसकी कम होती है और ये इंप्योरिटी की तरह होता है, मतलब पर दोनों होते हैं। इज दिस क्लियर? वहां पर पीबीएस और ZnS दोनों होते हैं, किसी में ये जिसकी क्वांटिटी कम है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो इंप्योरिटी की तरह हुआ, क्योंकि उसको नहीं निकालना, हमें ज्यादा वाले को निकालना है। तो किसी में ये ज्यादा होता है, किसी में ये ज्यादा होता है, बट कभी कभार ये दोनों साथ में आ जाते हैं। इज दिस क्लियर? अब जब दोनों साथ में आते हैं तो हमें डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करना है, ताकि हमें एक की जरूरत है वो एक ही ऊपर आए। अब ये काम कैसे होता है उसको अपने को चेक करना है, जरा ध्यान से इसको चेक करना। इज दिस क्लियर? तो यहां पर एक ऐसी ओर जिसके अंदर आपके पास PBS यानी गैलेना भी प्रेजेंट है, यानी कि और साथ में जिंक सल्फाइड, यानी कि उसके अंदर जिंक सल्फाइड भी प्रेजेंट है और गैलेना भी प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो हमारे लिए समस्या हो गई, जिंक पायरेट भी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर PBS भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, हमारे लिए समस्या हो गई। अब क्या करेंगे इस केस में? हम लोग डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं। अभी डिप्रेसेंट क्या है जरा आप चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेसेंट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास सल्फाइड के मिक्सचर वाली ओर हो, ओके? अब ये क्या होता है डिप्रेसेंट के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सब लोग लिखो, डिप्रेसेंट के लिए हम लोग सोडियम साइनाइड इस्तेमाल करते हैं। लिखो, सोडियम साइनाइड एज अ डिप्रेसेंट इस्तेमाल किया जाता है। क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पर सोडियम साइनाइड लिखो, NaCN एज अ डिप्रेसेंट इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड या फिर सोडियम कार्बोनेट को एज अ डिप्रेसेंट इस्तेमाल किया जाता है। कितने लोगों ने लिखा? स्लो लर्नर ने लिखा, गार्गी ने लिखा, निकिता ने लिखा, अरुणव ने लिखा, रितिका ने लिखा, नेहा, धीरज, खुशी और नवीन, नेहा, सुमित, गार्गी, हुमारा, कार्तिक, भवानी,
लिखो, नहीं लिखोगे तो याद नहीं होगा। डिप्रेसेंट यहां पर कौन कौन है बेसिकली? सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सबको समझ में आ गया? सो सोडियम साइनाइड एंड सोडियम कार्बोनेट को एज अ डिप्रेसेंट यूज किया था। क्यों? मैं उसका कारण बताऊंगा आपको, जरा आप चेक करना। एग्जाम्पल यहां से आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है गैलेना का और जिंक ब्लेंड का। ध्यान से समझना, हमारे पास एक मिक्सचर है गैलेना का जिसको पीबीएस बोलते हैं और जिंक ब्लेंड जिसको ZnS बोलते हैं, उसका मिक्सचर है। अब हमें तो सिर्फ एक ही मेटल का सल्फाइड चाहिए, झाग के साथ दोनों आ गए तो हमारे लिए समस्या, फायदा क्या होगा? हम तो इंप्योरिटी अलग कर रहे हैं, समझो इस चीज को। हमारे पास ZnS और पीबीएस दोनों है, हमें एक ही चाहिए। उस केस में डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो ये जो डिप्रेसेंट होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या करेगा? देखो, अगर ये आप यहां पर लेते हो लेड सल्फाइड, तो लेड सल्फाइड बेसिकली NaCN के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होती है। मजे की बात देखो, जो डिप्रेसेंट आपने डाला है वो लेड सल्फाइड यानी गैलेना के साथ रिएक्शन नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। लिखो, जो आपने डिप्रेसेंट डाला वो पीबीएस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब कहां से पता लगा? कोई कहेगा सर कहां से पता लगा? तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा। इज दिस क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि यहां पर लेड सल्फाइड कभी भी सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन यहां पर जैसे ही आप जिंक सल्फाइड लाओगे तो जिंक सल्फाइड NaCN के साथ रिएक्ट करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा। जरा आप ध्यान से इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को देखो, यहां पर सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बनाएगा। नाम लिखना आपको आता होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर्स में नाम लिखना मैंने सिखा दिया था। आप जरा आप चेक करो यहां से क्या बना रहा है। यहां पर जरा आप चेक करो, साइनाइड कितने हैं टोटल? चार। इसीलिए क्या लिखा गया? टेट्रा। और CN के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइनो, टेट्रा साइनो। सोडियम को पहले लिखा जाएगा और ATE लगाया जाता है जब आपका ये वाला पार्ट नेगेटिव हो। तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट के लिए आप लोग ATE लगाते हो, यस। और नेगेटिव पार्ट में मेटल क्या है? जिंक। तो जिंकेट लिखा जाता है। तो सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट बनाएगा, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट। जिंक के साथ चार चार साइनो ग्रुप है और सोडियम दो से उसको मैनेज कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो फाइनली अगर मैं पूछूं जिंक के ऊपर चार्ज कितना है, तो जिंक के ऊपर टोटल प्लस टू चार्ज है, सोडियम दो है तो प्लस टू ये हो गए और माइनस का फोर इसके ऊपर है। अब तो याद कर लोगे। कई बच्चे ना इतना बड़ा फॉर्मूला देखे उनकी टट्टी निकल जाती है, तो घबराओ मत। आप क्या कह रहे हो, जो बड़ा फॉर्मूला होता है उसमें देखा करो कि कौन सा जो एटम है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, अब आप लिख पाओगे। सो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, यहां पर जिंक के साथ चार CN जोड़ने हैं, जिंक खुद प्लस के टू पर है, उसके साथ दो सोडियम लगाने हैं, खत्म। ये कंपाउंड बनेगा जब जब जिंक सल्फाइड किससे रिएक्शन करेगा? NaCN के साथ। तो ये कंपाउंड बनेगा और ये कंपाउंड सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है। तो पूरा ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से चेक करो। पीबीएस गैलेना NaCN के साथ रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बट जिंक सल्फाइड NaCN के साथ रिएक्शन करके ये एक कंपाउंड बनाता है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये नोट डाउन कर लो। इज दिस क्लियर? अब वाटर सोल्यूबल है तो वो तो पानी के साथ गीला होकर नीचे बैठ जाएगा, वाटर सोल्यूबल तो पानी में घुला रह जाएगा। और पीबीएस क्या होगा? फ्रोथ के साथ ऊपर चला जाएगा। तो हमने पीबीएस को अलग इकट्ठा कर लिया और जिंक सल्फाइड को पानी के अंदर घुला हुआ उसको अलग कर लिया और मिट्टी नीचे बैठ गई। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना। इसको पिक्टोरियली कैसे समझेंगे जरा उसको अपन चेक करते हैं। चलो, तो पिक्टोरियली आप जरा चेक करना किसके अंदर हो क्या रहा है। तो ध्यान से इसको चेक करो। मान लो, अब आप ध्यान से देखना, मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके पास ZnS भी है प्लस PbS भी है, ओके? अब मैंने इसके साथ क्या किया, और पानी भी है, पानी के साथ इसमें NaCN डाल दिया, ओके? और साथ में इसके साथ गैंग भी है, ठीक है, गंगू तेली भी है, ये सारी चीजें हैं। जैसे आप इसमें झाग बनाओगे तो झाग के साथ जरा चेक करना, PbS तो झाग के साथ ऊपर चला जाएगा। ये क्या करेगा जरा आप चेक करना, ये तो झाग के साथ ऊपर चला जाएगा, फ्रोथ के साथ, ये फ्रोथ के साथ ऊपर चला गया, ओके? ये ZnS और NaCN आपस में रिएक्ट करेंगे और ये जो पानी है उसी में घुल जाएंगे। तो ये दोनों आपको कहां मिलेंगे? ये दोनों एक्वस मीडियम में मिलेंगे। और आपकी गंगू तेली कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ। सबको समझ में आ गया? गैंग आपकी नीचे बैठ जाएगी, पानी से गीली होकर नीचे बैठ जाएगी। ये पानी सोल्यूबल है, ये वाटर सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल है तो पानी के अंदर और वो बाहर।
तो आपको तीनों चीजें कहां मिलेंगी? तो गंगू तेली तो नीचे, ये गंगू तेली है, ये गंगू तेली तो नीचे मिलेगी, और आपके पास जेड एन सी एन होल फोर माइनस टू, ये आपको बीच में मिलेगा, और पीपीएस आपको ऊपर मिलेगी झाग के साथ। तो ये पार्ट ऊपर वाला हो गया झाग के साथ, ये मिडिल वाला पार्ट है सोल्यूबल, और ये गैंग है। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, डिप्रेसेंट का ये काम होता है। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? आपकी पीबीएस झाग के साथ आ गई ऊपर, ये जिंक सोल्यूबल है बीच में रहा, गैंग नीचे चली गई। किस किस को ये पल्ले पड़ गया? जिसको पल्ले पड़ गया बताओ मुझे। इज दिस क्लियर? डिप्रेसेंट का क्या काम है? इज दिस क्लियर? अब आप क्या करो, अब आप इसको तो बाहर निकाल लो, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे बाहर निकाल लो। ये वाटर सोल्यूबल है, बाद में इस वाटर सोल्यूबल को अलग भी किया जा सकता है, और गैंग तो अलग हो गई है। तो इस तरह से इनको निकाला जाता है। सबको समझ में आ गया? पल्ले पड़ गया, वेरी गुड समरी सिंह, पल्ले पड़ गया। तो डिप्रेसेंट का काम क्लियर है, मिक्सचर ऑफ वाटर के साथ इज दिस क्लियर कि रिएक्शंस कैसे होती हैं? बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, जरा चेक करना, पीबीएस रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन ये रिएक्ट करेगा, और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि पानी के साथ गीला हो जाता है। इज दिस क्लियर? पानी के साथ गीला हो जाता है, वाटर गीला, वाटर से गीला हो जाता है, और फाइनली यहां पर प्रिवेंट हो जाता है, फ्रोथ के साथ नहीं जाता। बस ये सिंपल सा मेथड है। इज दिस क्लियर? गीला ओके, सोल्यूबल है, पानी के साथ नहीं जाएगा। मेरा एक सवाल है, चलो आगे बढ़ने से पहले, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो बहुत आसान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, सबसे बच्चों का ऐसा टॉपिक है जिसको आप ध्यान से समझोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल का जवाब देखिए, सबसे पहले कौन देगा? एक हाथी है, एक हाथी वो स्विमिंग पूल में गिर गया, एक हाथी स्विमिंग पूल में गिर गया, तो बताओ वो कैसे बाहर आएगा? सवाल है मेरा, एक हाथी है जो स्विमिंग पूल में गिर गया, तो बताओ वो कैसे बाहर आएगा? एक हाथी है जो लीचिंग नहीं हुआ, लीचिंग होगा अभी दिया, डोंट वरी। एक हाथी है, बिल्कुल सही, सही जवाब दिया स्वराज ने, स्वराज के लिए तालियां हो जाए और फिर तनु ने। तो जो हाथी जो स्विमिंग पूल में गिरा है वो गीला होके बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात है, गीला होके बाहर आएगा, गीला हो जाएगा इसको बोलते हैं वेट होना। तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे बच्चे कितने होशियार है, देखो छोटी छोटी बातों के तो आईक्यू लेवल तो हाई लेवल है, मानना पड़ेगा, ठीक है समबडी थिंग कॉम्प्लेक्स वेट, सही बात है। अगला देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन सबसे बच्चों का सा खेल है, ये अपन घर पे भी कर सकते हैं। सबसे हार्ड फ्रोथ फ्लोटेशन था जो खत्म हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन को जरा चेक करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, यूज्ड इफ वन ऑफ द ओर और इंप्योरिटी इज मैग्नेटिक। आप इसको कहां यूज करते हो? या तो ओर या इंप्योरिटी मैग्नेटिक हो, ठीक है, यानी कि आयरन के लिए, जो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के लिए क्या अट्रैक्शन शो करे उसके लिए यूज करते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर द मैग्नेट रोलर। यहां पर एक मैग्नेट रोलर होगा, थोड़ी देर में दिखाऊंगा, वो एक्चुअली क्या करेंगे, मैग्नेटिक रोलर से बिल्कुल मैग्नेटिक रोलर के पास गिरेंगे अट्रैक्शन की वजह से। कैसे होते हैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं, ठीक है। सो मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड एंड फॉल नियर द मैग्नेटिक रोलर। एंड थर्ड पॉइंट, व्हाइल नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल अवे फ्रॉम द रोलर। अब ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं, बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक टंग ट्विस्टर है, ये रोलर रोलर है, मुझसे बोला नहीं जाता, तो यहां पर एक टंग ट्विस्टर है, सब लोग ट्राई करो घर पे, अपर रोलर लोअर रोलर, उसको 10 बार बोलो, ट्राई करो, अपर रोलर लोअर रोलर, मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्राई करो, टंग ट्विस्टर दे रहा हूं, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अपने पास क्या है, अपर रोलर लोअर रोलर, ट्राई करो 10 बार बोलना है, बोला जाता है आपसे अपर रोलर लोअर रोलर, अपर रोलर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हार्ड है, शिप्रागरी मैं बोल लेती हूँ, कई लोगों की टंग बड़ी ठीक होती है, तो अपनी टंग तो खराब है, बचपन से खराब है अपनी टंग, तो अपने से नहीं बोला जाता, ठीक है। सो ये तुम्हारे लिए रोलर रोलर का एक दिया है, बहुत बढ़िया सा टंग ट्विस्टर, इसको ट्राई करो, ठीक है अब हम चलते हैं आगे। तो अब ये 3 पॉइंट है, इसी पे आपका क्या करेगा, वो सिस्टम काम करेगा। सिस्टम काम कैसे कहता है, उसके लिए आपको ये रहा सेटअप आपके सामने, जरा चेक करो, देखो ये रहा सिस्टम आपके सामने। तो क्या है यहां पर, जरा आप चेक करो, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, यहां पर एक रोलर होता है, ये रोलर है जो घूमेगा इस तरह से, घूमेगा ओके। उसमें ये जो आगे वाला टायर है ये मैग्नेट होता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, ये मैग्नेट होता है, मतलब ये प्योरली मैग्नेट है, उसमें पट्टा है।
ये टायर को मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है, तो आगे वाला टायर ही सिर्फ मैग्नेट होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पट्टा घूमेगा, नीचे आपने बकेट रख रखी है, ये पहली बकेट है, ये दूसरी बकेट है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ ध्यान से, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए अगर ऊपर से मैंने एक ओर डाली, क्या डाली, ओर, जिसमें एफ ई है प्लस गंगू है, गंगू तेली गैंग है, एफ ई प्लस गैंग है, आयरन और गैंग है, तो मेरा सवाल यह है एफ ई किधर गिरेगा, गंगू किधर गिरेगा, बताओ कौन बताएगा। यहां से मैंने एफ ई और गंगू दोनों को डाला, दोनों पट्टे के साथ बहते हुए आगे गए, बताओ एफ ई कहां गिरेगा और गंगू कहां गिरेगा, बताओ सब लोग, एफ ई कहां गिरेगा कौन से वाले कंटेनर में, गंगू कौन से वाले कंटेनर में गिरेगा, दिमाग लगा के बताओ, देखिए कितने लोग बताते हैं, कंटेनर का नाम बताओ, पहला और दूसरा, एफ ई कौन से वाले कंटेनर में और गंगू कौन से वाले कंटेनर में, दिमाग लगाना अच्छे से, भगवान ने दिमाग दिया है, आईक्यू लेवल है ना, 5 साल की उम्र तक बढ़ना, 5 साल की उम्र से बढ़ना शुरू होता है, 18 साल तक बढ़ता है, तुम्हारा आईक्यू लेवल है, अभी तुम 15-16 साल के हो गए, इतना दिमाग तो चलता होगा। तो यहां से मैंने अगर एफ ई और गंगू दोनों को यहां से पास करवाया तो बताओ कि एफ ई कहां गिरेगा और गंगू कहां गिरेगा, यह सवाल है मेरा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे नाम लिखो, एफ ई किधर गिरेगा, 1 और 2, गंगू किधर गिरेगा, 1 और 2, ऐसे करिए, लिखो लिखोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। हाँ तो सब लोग लिखे, बहुत बढ़िया बात है, जो एफ ई है वो 2 नंबर में गिरेगा, क्यों गिरेगा, दिमाग लगाओ ना खुद का, मान लो एफ ई और गंगू दोनों चले, तो यहां से जो एफ ई पार्टिकल है वो तो क्या करेंगे, इस चक्के के साथ साथ चिपके हुए रहेंगे, क्यों चिपके हुए क्यों रहेंगे, क्योंकि मैग्नेट है, और फाइनली जब वो पट्टा अलग हो रहा होगा तो यहां से यूं गिर जाएंगे इसके अंदर, दिमाग लगाओ यार बच्चों के, तो हमने भी किया है बचपन में, क्योंकि चिपके रहेंगे क्योंकि यहां पर मैग्नेटिज्म है, तो ये जब अलग हो रहा होगा तो यहां गिर जाएंगे, तो एफ ई पार्टिकल 2 में गिरेंगे, गंगू कहां गिरेगा, गंगू का कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, तो सीधा आके फट 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 तिणे दी, फट तिणे दी, गंगू यहां गिरेगा, गंगू इज गोइंग ओवर हियर, ये गंगू है, गंगू यहां गिरेगा और एफ ई के पार्टिकल चिपके रहेंगे और यहां गिरेंगे। इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सिंपल तरीका है, इससे सेपरेशन हो गया, तुम्हारी गंगू अलग हो गई, गंगू गई 1 में, एफ ई गया 2 में, एफ ई और गंगू को अलग कर दिया आपने, बल्ले बल्ले हो गए आपकी, सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपके यहां गिरेंगे, ये ध्यान रखना, गंगू नॉन मैग्नेटिक है और एफ ई मैग्नेटिक है, और मैग्नेटिक पार्टिकल यहां गिरेंगे। बेल्ट के पास कौन गिरेगा, एफ ई पार्टिकल, उससे दूर कौन गिरेगा, गंगू पार्टिकल, सबको समझ में आ गया, ये तरीका है, क्लियर है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, किधर काम में लोगे, जहां पर ऐसे मेटल हो गंगू के साथ में जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, मैग्नेटिज्म हो, जैसे कि आयरन, ओके, जैसे कि निकल, निकल में भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि निकल में भी होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये BDSM क्या होता है, नई नई चीजें लिखते हैं बच्चे, हैं? कहता है आपने कभी BDSM किया, BDSM क्या होता है भाई, किसी ने लिखा सर आपने कभी BDSM किया, BDSM क्या होता है मेरे भाइयों, नई नई चीजें कहां से लाते हो, ये लिखा कौन है, डायनेमो गेमिंग, BDSM क्या होता है। अब आगे चलो, थर्ड हो गया, फोर्थ पर चलते हैं, इसके साथ कुछ है तो देख लेते हैं। अब आते हैं लीचिंग प्रोसेस पर, जो काफी लोग पूछ रहे थे, अब चलते हैं लीचिंग प्रोसेस पर। तो अब देखो लीचिंग प्रोसेस पर आ जाते हैं, ये आपका दूसरा, इन चारों में से दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। गौचा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक क्या है, लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। और ये लास्ट टॉपिक के बाद में आपको बताऊंगा कि ये वंडरफुल सा बैग आप कैसे जीत सकते हो, वेदांतु बैग, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, देखो कितना सुंदर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ स्कूल का लड़का लग रहा है, स्कूल जाते हुए, है ना, कौन सा वाला स्कूल, करण जौहर का स्कूल, करण जौहर का टाइगर वाला, है ना, वैसे याद है ना, गाना गाते हुए सारी की सारी, मुझे बात समझ नहीं आती, अभी थोड़े दिन पहले वो आई थी ना, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ऐसा कॉलेज है कहाँ जहाँ सारा दिन डांस ही चलता रहता है, हैं? लड़के आते हैं ऐसे स्किनी पहन के, लड़कियां आती है स्कर्ट पहन के, नाचते रहते हैं सारा दिन और कोई काम ही नहीं होता, और ऐसे बैग टांग के आते रहते हैं स्टड बन के, मुझे कभी समझ में नहीं आया। हाँ तो ये बैग देखो, ये खूबसूरत बैग, अगर आपको जीतना है तो अब लीचिंग के बाद बताऊंगा कैसे जीतना है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट आ जाओ। सो
अब चलते हैं लीचिंग प्रोसेस की तरफ। अब लीचिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। तो चलो लीचिंग प्रोसेस, अब आपको ये बैग तब स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में आके काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इस बैग को जीतने के लिए पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। आ जाए आप तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट लीचिंग पर आ जाते हैं। लीचिंग कहां इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ जाओ। लीचिंग हम लोग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर मेटल ज्यादा सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू इंप्योरिटी। नोट डाउन करो क्या लिखा है यहां पर, जरा आप चेक करो। मैं दोबारा समझाता हूं, आप लीचिंग कहां इस्तेमाल करते हो, जहां पर मेटल इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू इंप्योरिटी। जहां पर मेटल आसानी से घुल जाता है, इंप्योरिटी आसानी से नहीं घुलती है, वहां पर हम लोग लीचिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। मेटल जहां आसानी से घुल जाता है और इंप्योरिटी नहीं घुलती है, वहां पर हम लोग लीचिंग इस्तेमाल करते हैं। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो सब लोग। कितने लोग लिखे, अब कई लोग लीचिंग कर रहे थे, लिखे हो बच्चों, लिखो इसको। लीचिंग किधर इस्तेमाल होता है, लीचिंग वहां पर जहां पर मेटल आसानी से सोल्यूबल होता है, लेकिन मेटल सोल्यूबल होता है आसानी से, इंप्योरिटी सोल्यूबल नहीं होती है, वो नहीं घुलती है। सबको समझ में आ गया, लिखो लिखो। खुशी ने लिखा अभी, और किसने लिखा, शिप्रा ने लिखा अभी, और किसने लिखा, गब्बर रचना ने लिखा, रचना गब्बर क्या नाम है, यस डोंबाले ने लिखा, और कौन लिखा, लिखो यार कम ऑन लिखो इसको। लैचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस कहां इस्तेमाल करते हो, लीचिंग प्रोसेस हम कहां इस्तेमाल करते हैं जहां मेटल आसानी से सोल्यूबल होता है, ठीक है। अब जो मेटल आसानी से सोल्यूबल होते हैं, जिनको आसानी से हम लोग घोल सकते हो, कौन कौन से, एक तो एल्युमिनियम, एग्जांपल दे रहा हूं, एल्युमिनियम को आसानी से घोला जाता है तो वहां लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। सिल्वर गोल्ड को घोला जाता है, वहां लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। लो ग्रेड कॉपर को घोला जा सकता है, वहां पर लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो कोई पूछे लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कहां किया जाता है, सबसे ज्यादा सिल्वर और गोल्ड में किया जाता है, सबसे ज्यादा सिल्वर और गोल्ड में किया जाता है, एल्युमिनियम में भी किया जाता है, सबसे ज्यादा सिल्वर और गोल्ड में किया जाता है, लेकिन ये तीनों में आप लीचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हो। लिख लो काम आएगा, यही तो मेन चीज है कि एल्युमिनियम के और में आप कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म लगा सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोसेस लगा सकते हो, वो है लीचिंग। सिल्वर गोल्ड में लीचिंग, लो ग्रेड कॉपर में लीचिंग। सबको समझ में आ गया। सो अब ये तो काम की चीजें हैं, ये और ये काम की चीजें हैं। अब ये कैसे होता है जरा आप चेक करो। देखो लीचिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने सिल्वर का सल्फाइड ओर लिया, सिल्वर का सल्फाइड ओर लिया, तो ये सिल्वर का सल्फाइड ओर आपके सामने लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा ओर, ठीक है। अब ओर को मैंने क्या किया, ओर की रिएक्शन कराई NaCN से, सोडियम साइनाइड से, ध्यान से समझना, नाउ दिस इज सोडियम साइनाइड, ठीक है, सोडियम साइनाइड से। अभी थोड़ी देर पहले आपने जिंक सल्फाइड की भी रिएक्शन कराई थी सोडियम साइनाइड से, लेकिन वो तो फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग हो जाते, तो इसमें हमें ज्यादा झंझट नहीं है। इस केस में हम लोग सिल्वर सल्फाइड को यूज कर रहे हैं, सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारे पास क्या करेगा, ये सोल्यूबल सोल्यूशन बना के देगा, किसका, सिल्वर का। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इसमें सिल्वर का सोल्यूबल सोल्यूशन बन जाता है और सल्फाइड अलग हो जाता है। सल्फाइड इज एन इंप्योरिटी अलग कर दिया आपने, जरा आप चेक करो, इसमें मेटल कौन है, ये इंप्योरिटी कौन है, सल्फर। लीचिंग प्रोसेस पे आप सल्फर अलग कर देते हो और मेटल अलग हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां से क्या हुआ, इस इंप्योरिटी को अलग करना है, आप इसकी सोडियम साइनाइड से रिएक्शन कराओ, जिससे यहां पर क्या होगा, ये सिल्वर साइनाइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा सोडियम के साथ, वहां पर जिंक के साथ बना था याद करो, सोडियम के साथ यहां पर सिल्वर साइनाइड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। याद नहीं हो रहा तरीका क्या है, यहां पर एजी हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, सीएन दो जुड़े हुए माइनस के टू पर, तो सोडियम एक ही लगाना है प्लस वन मैनेज करने के लिए, खत्म। तो सोडियम एक ही लगेगा, सिल्वर भी एक ही होगा, ये प्लस वन तो सीएन कितने लगाने पड़ेंगे, दो, बात खत्म, यहां ब्रैकेट लगा दो, बात खत्म, इतना सा है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और कॉम्प्लेक्स हमेशा सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये हमेशा सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल उनको अलग कर लो, बाद में आप इसमें प्रोसेस लगा के सिल्वर को अलग कर सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, और सोडियम सल्फाइड यहां से अलग हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से लीचिंग प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल के सल्फाइड को लेके मेटल को अलग कर देते हैं, सल्फर को अलग कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और उससे आसानी से आप क्या कर सकते हो, वो सोल्यूबल होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। सबको समझ में आ गया, ये है लीचिंग, खत्म हो गया यश, बस अब मैं बताने वाला हूं बैक कैसे जीतोगे। Is this clear? Notes जितने भी मैंने पढ़ाया वो सब डाउनलोड कर सकते हो, अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ उसको डाउनलोड कर लो, लेकिन ये लीचिंग प्रोसेस है, आप इसको लिख लो फटाफट से लिखो। अब लेक्चर हमारा यहां खत्म हो चुका है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा बैक कैसे जीत सकते हो, पर उससे पहले लिख लो किस तरह से किया जाता है। लीचिंग प्रोसेस में हम लोग मेटल को सोल्यूबल बना के
उसको अलग कर लेते हैं, यही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन लीचिंग प्रोसेस। बहुत आसान है, आपके सामने ये लिखा हुआ इक्वेशन। कई बच्चे डरने लग जाते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब सिल्वर अलग कर सकते हो, गोल्ड अलग कर सकते हो, हाँ एल्युमिनियम को मैं जब एल्युमिनियम के मैं प्रोसेसेस बताऊंगा तब आपको बताऊंगा लीचिंग प्रोसेस कैसे लगाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी एक एग्जांपल बताना था जो मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया, तो यहां से हमारा बन गया। अब आपको क्या करना है, जरा आप चेक करो ध्यान से, आप ये बैग कैसे जीत सकते हो, अब मैं उसके बारे में बता देता हूं। हमारा लेक्चर यहां पर खत्म हो गया है, हमने यहां पर सारे कॉन्सेंट्रेशन ओवर कर लिए। सबसे पहले अगर आपको ये वंडरफुल बैग घर पे लेके जाना है, जैसे मैं पकड़ के खड़ा हूं ऐसे करके तुम लेके जाओगे इसको प्यार से, बहुत बढ़िया बैग है, सच्ची बता रहा हूं, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले vdntu.in/medicalv, क्योंकि विनर्स के नाम हम लोग इस ग्रुप में डालेंगे। टेलीग्राम के ग्रुप को फटाफट से ज्वाइन कर लो, पहला काम आपको करना है कि ग्रुप को ज्वाइन करो। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ये तो सिंपल काम है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, तो अब क्या करना है आपको मैं बताता हूं। मैं फटाफट से जिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वी वेदांतु नीट मेड इजी चैनल को प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दो बच्चों को कम से कम शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। काफी बच्चों ने कर रखा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो देख के निकल जाते हैं करते नहीं है। बच्चों फ्री का काम है करो, लेकिन उसके साथ तो देखो फ्री का तो काम है ही, ये ऑलमोस्ट 500-600 रुपीज का बैग तो होगा, तो ये वंडरफुल बैग आपको मिल सकता है अगर आपको बैग जीतना है। तो अब देखो आपको क्या करना है, तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, दोबारा सुनिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, दैट मे बी फेसबुक, दैट मे बी इंस्टाग्राम, कुछ भी, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको आपको इस चैनल के लिए जो आप फीलिंग रखते हो एक लाइन दो लाइन में लिखना है, ध्यान से समझना। मान लो फेसबुक पे आप गए, अपने पेज पर आपने वेदांतु मेड इजी चैनल, वेदांतु नीट मेड इजी चैनल के लिए आपको जो फीलिंग है, जो भी अच्छी लाइन है आप बोलना चाहते हैं, जो फीलिंग है वो आपको लिखनी है वेदांतु नीट मेड इजी चैनल के लिए, जो भी फीलिंग आप रखते हो एक लाइन दो लाइन में लिखनी है। वो फेसबुक पे भी लिख सकते हो, वो इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हो। लिखने के बाद आपको हमें टैग करना है, मैं आपको बताता हूं, वहां पर आपको लिखना है #, ठीक है, वी नीट मेड इजी, वी नीट मेड इजी, ये #, जरूर लगाना है। दो लाइनें लिखें कैप्शन में वेदांतु नीट मेडिजी के लिए @, ऐसे करके मैं बता देता हूं, देखो बहुत सिंपल है, @ वेदांतु नीट मेडिजी के लिए दो लाइन लिखें, शुरुआत यहां से करें, @ वेदांतु नीट मेडिजी, आपकी जिंदगी हम लोग कैसे बदल रहे हैं उसके लिए क्या दो लाइन, जो भी आप लिखना चाहें, #, लगाएंगे वी नीट मेडिजी, और जो भी आप लिखना चाहते हो और उसको आप क्या करोगे, कम से कम अपने 2 या 3 दोस्तों को शेयर करो, और जो भी आप लिख रहे हो उसमें मुझे जरूर टैग कर लेना, टैग अरविंद अरोरा, टैग अरविंद अरोरा, क्योंकि मुझे कैसे पता लगेगा, जब आप मुझे टैग करोगे तो मुझे समझ में आएगा, तो मुझे टैग करना मत भूलना, जिसका कैप्शन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मुझे फेसबुक पे पता लग जाएगा। इनफैक्ट टैग करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, तो मेरा इंस्टाग्राम पे आप जाइए, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है arvind.arora, ठीक है, इस पे आप मुझे ढूंढ सकते हो, arvind.arora मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, सो वहां पे मुझे आप पर्सनली भेज भी सकते हो कि सर हमने कैप्शन लिखा है, तो जिसका कैप्शन सबसे अच्छा होगा, जिसने वाकई में बहुत दिल से लिखा है, वो जीतेगा ये पहला बैग जो कि वेदांतु का बैग है। दैट इज रियली वंडरफुल बैग, बहुत आसान सा काम है, 2 ही मिनट लगे समझाने, मुझे ज्यादा टाइम लगा कुछ है नहीं। आपको क्या लिखना है, @ वेदांतु नीट मेड इजी, क्यों आपको अच्छा लगता है ये चैनल, और फिर आपको #, लगाना है वी नीट मेड इजी, टैग करना है मुझे, इंस्टाग्राम पे भेज देना, जिसका कैप्शन सबसे अच्छा होगा उसको ये वंडरफुल सा बैग मिलेगा, ठीक है। सो 2 मिनट का काम है, जिसका इंस्टा कोई सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा है, आई एम सो सॉरी, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो, हाँ इस वीडियो में भी आप लिख सकते हो, पर आपको इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप चैट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, तो आप इस वीडियो के चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो ये सब, तो वहां से जिसका कैप्शन सबसे अच्छा होगा उसको ये बैग जीतने का मौका मिलेगा, ठीक है। सो चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, याद है ना क्या करना है, डू सब्सक्राइब द चैनल, यस लाइक करो और शेयर करना मत भूलो, और साथ ही साथ उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना, तो
रूल्स रेगुलेशंस क्लियर है सब लोगों को और बस स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बन के आपको ये बैग लेके निकलना है देख लो। चलो गाइस थैंक यू सो मच, दिस इज अरविंद अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंजॉय योर डे।